नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अगर चुनाव के 7 चरणों को आप 7 ओवर का मैच मान लें, तो वोटिंग के दूसरे ओवर में भारत की जनता ने आज जबरदस्त वापसी की है। आज 88 सीटों के मतदाताओं ने मौसम को हरा दिया। आज इन 88 सीटों पर शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 65% वोटिंग हुई है और ये आखिरी आंकड़ा आने तक अभी 5 से 6% और बढ़ सकती है, क्योंकि ये अंतिम आंकड़े नहीं है। ये वोटिंग लगभग उतनी ही हो जाएगी जितनी पिछले चुनाव में यानी 2019 में हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि ये 70% वोटिंग प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए है या उसे रोकने के लिए है। आज की जो सबसे बड़ी खास बात है, जो आज का हाईलाइट है, वो ये है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमान मंगल सूत्र और मैनिफेस्टो यानी ये 3M का जो एजेंडा देश के सामने रखा था, उससे देश की जनता जाग उठी है और आज पोलिंग बूथ पर वो नीरसता नहीं दिख रही थी जो पिछली बार थी। इसलिए आज ज्यादातर पोलिंग बूथ्स जोश से भरे हुए थे। आज की 88 सीटों पर हमारे 88 रिपोर्टर्स मौजूद थे और आज हम आपके लिए मतदान का सबसे बड़ा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आज पोलिंग बूथ्स पर जनता का मूड क्या था। और हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे कि दिन भर उन्होंने इन पोलिंग बूथ्स पर क्या देखा। इसलिए अगला 1 घंटा बहुत ध्यान से हमारी ये बात सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के इस सेकेंड ओवर में, दूसरे ओवर में, या इसे आप कह लीजिए दूसरे दौर के चुनाव में, दूसरे फेज में, देश के वोटर्स ने कैसे बाउंस बैक किया है और मतदाताओं ने आज मौसम को भी हरा दिया है। आज शाम 7 बजे तक दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 65% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से लगभग 6% कम है। पिछली बार इन्हीं 88 सीटों पर 71.3% वोटिंग हुई थी। लेकिन यहां आपको यह बात याद रखनी होगी कि जो आंकड़े इस समय मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े शाम 7 बजे के हैं, इसलिए ये वोटिंग प्रतिशत अभी 4 से 5% और बढ़ सकता है, क्योंकि हर बार यही होता है, 7 बजे के आंकड़े कम होते हैं और जो अंतिम आंकड़े आते हैं वो 7 बजे के आंकड़े से लगभग 5 से 6% ज्यादा होते हैं। और अगर वही हिसाब, वही फॉर्मूला हम लगाएं, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे चरण में आज 70 से 71% वोटिंग हुई है, यानी ये उतनी ही होगी जितनी 2019 के चुनाव में हुई थी। पूरे देश में सबसे ज्यादा 78% वोटिंग त्रिपुरा में हुई है, 77.1% वोटिंग मणिपुर में। देखिए, मणिपुर में ये बात नोट करने वाली है, वहां 77% वोटिंग हुई है। 72.5% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, 71.8% वोटिंग पश्चिम बंगाल में, 70.6% वोटिंग असम में, 67.6% वोटिंग जम्मू में, 65% वोटिंग केरल में, 64.5% वोटिंग कर्नाटक में और 60.5% वोटिंग राजस्थान में हुई है। सबसे कम वोटिंग जो है 53.3% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, सबसे कम। 53.7% वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है, जो बहुत कम मानी जाएगी। 54.2% वोटिंग बिहार में और 55.4% वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरे चरण में 15,88,00,000 वोटर्स में से लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स ने आज वोट नहीं डाला। 4.5 करोड़ वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। अब बड़ी बात यह है कि ये सारे वोटर्स क्या कर रहे थे, क्या ये लॉन्ग वीकेंड पर चले गए, इन्होंने ये जरूरी क्यों नहीं समझा कि ये अपना वोट आज डालें, और हो सकता है कि ये सारे वोटर्स आईपीएल देख रहे हों लेकिन वोटिंग डालने के लिए, वोटिंग करने के लिए नहीं गए। जबकि पहले चरण में 16,64,00,000 वोटर्स में से लगभग 5.5 करोड़ वोटर्स ने पहले चरण में मतदान नहीं किया था। तो 5.5 करोड़ ने पहले नहीं किया और 4.5 करोड़ वोटर्स ने आज मतदान नहीं किया। लगभग अभी तक अगर आप देखेंगे तो 10-11 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं हमारे देश में 2 चरणों में ही जो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे, और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए विश्लेषण तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों से ये अपील जरूर करना चाहते हैं कि जो दूसरे देश हैं वहां पर लोग तरसते हैं कि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिल जाए। दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे देश में
आपको इतनी आसानी से वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए लोकतंत्र में अपना ये रोल, अपना ये कर्तव्य जो है ये आपको जरूर निभाना चाहिए। इसके अलावा पहले चरण में 102 सीटों पर 3.8% वोटिंग कम हुई थी, पहले चरण की बात बता रहा हूं 19 अप्रैल की, और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों में तब पहले चरण में 5.7% वोटिंग कम हुई थी, लेकिन इस बार इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में 2-3% वोटिंग कम रही है, यानी 2019 के मुकाबले वोटिंग अब भी कुछ कम हुई है, लेकिन पहले चरण के मुकाबले इस वोटिंग में इस बार सुधार हुआ है। हिंदी भाषी राज्यों में जो मतदान मैं आपको बता रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी को सबसे ज्यादा जो सीट मिलती है वो उत्तर भारत के और हिंदी भाषी इन्हीं राज्यों से मिलती हैं, इसलिए यहां की वोटिंग देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम शाम 7 बजे तक के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 59.2% वोटिंग हुई है औसत, जो बाद में 64% तक पहुंच सकती है, और पिछली बार से ये 3-4% कम रहने का अनुमान है पिछले चुनाव से। पिछली बार यानी 2019 में इन राज्यों में 67.7% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 36 सीटें उत्तर भारत की थी, जिन पर 60.6% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 7.9% कम है, और आखिर में यह अंतर 3% के आसपास रह सकता है जब आखिरी आंकड़े आएंगे। दक्षिण भारत में केरल की सभी 20 और कर्नाटक की 14 सीटों पर 64.8% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 9.4% कम है पिछले चुनाव से, और आखिर में यह आंकड़ा 4.5% कम वोटिंग का रह सकता है जब अंतिम आंकड़े आएंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की 10 सीटों पर 74.4% वोटिंग हुई, और यह पिछले चुनाव से 7.7% कम है, और आखिर में इन सीटों पर भी 3% वोटिंग के आसपास कम रह सकती है पिछले चुनाव के मुकाबले। पश्चिमी भारत की 8 सीटों पर 53.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 9.2% कम है, और आखिरी आंकड़े आने तक यह अंतर 4% के आसपास रह जाएगा। पिछली बार बीजेपी को दूसरे चरण की इन 88 में से जिन 52 सीटों पर जीत मिली थी उनमें 23 सीटों पर पिछली बार जितनी या फिर 1% वोटिंग कम हुई है, जबकि 29 सीटों पर इस बार पहले से 5-8% वोटिंग कम हुई है, और ये सीटें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान में है। तो बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि पिछली बार बीजेपी को जिन सीटों पर जीत मिली थी दूसरे चरण में, उन सीटों में आधी सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर पहले के मुकाबले कम मतदान हुआ है, और बाकी ऐसी हैं जहां पर या तो उतना ही हुआ है जितना पिछले चुनाव में हुआ था 2019 में, या फिर उससे 1-2% कम। इसी तरह कांग्रेस पार्टी पिछली बार जिन 18 सीटों पर जीती थी उनमें से केवल बेंगलुरु ग्रामीण की एक सीट पर पिछली बार के बराबर मतदान हुआ है, और बाकी सभी सीटों पर 5-12% वोटिंग कम हुई है। देखिए, आपके मन में जो सवाल घूम रहे हैं उसमें से कुछ सवालों के जवाब इन आंकड़ों में छिपे हुए हैं। कांग्रेस जहां जीती थी पिछली बार, वहां आप समझिए 5-10% वोटिंग उन सीटों पर आज कम हुई है। इसके अलावा केरल की वायनाड सीट पर, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी की सीट पर इस बार 68.4% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 12% कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि वायनाड में इस बार पिछली बार से कम 8% वोटिंग कम होगी जब अंतिम आंकड़े आ जाएंगे, जबकि वायनाड में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। पिछली बार वायनाड में 80.4% वोटिंग हुई थी और राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले थे, और वो 4,30,000 वोटों से तब जीते थे। वायनाड में 41.3% मुसलमान हैं और 13.7% ईसाई हैं, जो मिलकर 55% होते हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी वायनाड में 45% है। आप मान सकते कह सकते हैं कि मुसलमान और ईसाई असल में वहां अल्पमत में नहीं है बल्कि बहुमत में है, और अल्पमत में वहां हिंदू हैं,
और यही कारण है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर अब वायनाड से लड़ते हैं, क्योंकि वहां हिंदुओं की संख्या कम है। इस बार वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। तिरुवनंतपुरम में इस बार 63.9% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 10% कम है, जिसका मतलब यह हुआ कि इस सीट पर लगभग 5 से 6% वोटिंग कम हुई है पिछले चुनाव के मुकाबले। और यहां कौन है? शशि थरूर 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर हर बार जीतते आए हैं, कभी हारे नहीं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से। और तिरुवनंतपुरम केरल की इकलौती ऐसी सीट है जहां पिछले दो चुनावों में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 30% से ज्यादा वोट मिले थे। अब देखिए एक और सीट, मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा में इस बार सबसे कम 49.2% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 11% कम है। और यहां से इस बार भी बीजेपी से हेमा मालिनी ही चुनाव लड़ रही हैं, जो पिछली बार जीती थी। अब मेरठ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट, आप जानना चाहेंगे इसके बारे में। मेरठ में इस बार 55.4% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 8.8% कम है। और यहां से अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो टीवी सीरियल रामायण में जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। इस सीट पर 63% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। और पिछली बार बीजेपी ये सीट सिर्फ 4,729 वोटों से जीती थी, और इस बार तो मेरठ में 5% वोटिंग भी कम हो सकती है। अमरोहा में इस बार 63.3% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 7.5% कम है। और यहां से पिछली बार बीएसपी के दानिश अली चुनाव जीते थे, जो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दानिश अली वही सांसद हैं जिनके लिए बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और अमरोहा में 50% मुस्लिम और 48% हिंदू वोटर्स हैं, यानी यहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी जिस सीट पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हैं उस सीट पर आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं, जिस सीट पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हैं वहां वोटिंग ज्यादा हुई है। जोधपुर में इस बार 63.3% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.5% कम है। अंतिम आंकड़े जब तक आएंगे तो ये वोटिंग 1% तक कम रह सकती है पिछले चुनाव से, या इस सीट पर पिछली बार जितना मतदान भी हो सकता है। और यह वही सीट है जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा में इस बार 70.8% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 1% ज्यादा है। और यहां से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में इस बार 71.9% वोटिंग हुई है, जो बाद में 74% तक पहुंच सकती है। और इस सीट पर पिछली बार से 1% ज्यादा मतदान हो सकता है। और यहां से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यह मुकाबला उनका हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी से, जो एक युवा निर्दलीय उम्मीदवार है और जो अपनी रैलियों में भीड़ को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कहा जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बेंगलुरु दक्षिण में इस बार 49.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 4% कम है। और यहां से भी इस बार भी बीजेपी के तेजस्वी सूर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर वर्ष 1989 के बाद से आज तक कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती है। बेंगलुरु ग्रामीण पर सीट पर 64.9% वोटिंग हुई, लेकिन जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत अपडेट हो रहा है उससे लगता है कि इस सीट पर पिछली बार से 2 से 3% मतदान ज्यादा हो सकता है। और यह कर्नाटक की इकलौती ऐसी सीट है जिस पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के भाई डी के सुरेश यहां से सांसद बने थे, और इस बार भी कांग्रेस की तरफ से वही चुनाव लड़ रहे हैं। मांड्या में इस बार 75.8% वोटिंग हुई, जो फिलहाल पिछली बार से 4.5% कम है। और यहां से जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर 73.5% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 2.5% कम है अभी। और यहां से इस बार कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की बांसवाड़ा सीट, मैं बताऊंगा यह महत्वपूर्ण क्यों है, पहले आप आंकड़ा सुन लीजिए। बांसवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 71.9% वोटिंग हुई है, और बांसवाड़ा में पिछली बार से 2 से 3% मतदान ज्यादा रह सकता है। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अप्रैल को
इसी बांसवाड़ा की रैली में यह बयान दिया था कि कांग्रेस लोगों का पैसा, सोना और महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। और इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक मानते थे। और तब हमने आपको वर्ष 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान दिखाया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक और बयान दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उस दिन 2006 का एक बयान दिया था जो तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में दिया था, लेकिन आज एक और नया बयान उनका आया है। उस पिछले वाले बयान पर तो फिर भी कई विवाद थे कि उन्होंने ऐसा कहा भी है या नहीं, लेकिन आज जो बयान आया है ये वर्ष 2009 का एक बयान है जो आज हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि मुसलमान अगर गरीब हैं तो देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है और वो अपने इस बयान पर कायम है। आज उनका ये एक और बयान सुनिए ध्यान से, और ये उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल के महीने में 2009 में दिया था। अब आप सुनिए। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अगर मुसलमान गरीब हैं तो उनका पहला हक बनता है, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है और यह सवाल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है। वो ये है कि अगर कोई हिंदू जाति से गरीब है, अगर कोई हिंदू गरीब है और अगर कोई मुस्लिम गरीब है, तो क्या उन दोनों में से एक को चुनना होगा? और क्या गरीबों में से भी सबसे पहला हक मुसलमानों को मिलेगा? और इस बयान में वो खुलेआम बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उस बार उस अपने रैली में जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं बल्कि कई कई बार अपने इस बयान को दोहराया है। और मैं ये चाहता हूं कि बड़ी स्क्रीन पर एक बार आप इस बयान को देखिए और मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर करता हूं, आप देखिए। वो कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब हैं तो देश के संसाधनों पर पहला दावा उनका ही बनता है। मैंने कहा कि सब तरह के अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पहला हक है और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। तो अब इसमें शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असल में यही कहना चाहते थे कि अगर गरीबों में भी पहला हक किसी का बनता है, पिछड़ों में भी अगर पहला किसी का बनता है, तो वो मुसलमानों का बनता है, बाकी के धर्मों का नहीं, बाकी की जातियों का नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, या आप ये कह लीजिए कि आज का एग्जिट विश्लेषण क्या कहता है। तो पहली बात तो ये कि आज फर्स्ट फेज की तरह साइलेंट चुनाव नहीं था, बल्कि आज स्थिर चुनाव था जिसमें कुछ भी उलटफेर होने की संभावना बहुत कम दिखती है। पहले चरण का चुनाव उत्साहहीन था, लेकिन दूसरे चरण में भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में अधिक उत्साह दिखा दिया और ये स्टेटस को का चुनाव बन गया। स्टेटस को का मतलब है कि जो जैसा है, जस का तस, वैसी ही व्यवस्था बनी रहे, ये उसका चुनाव है। और जो कुछ आप देख रहे हैं वोटिंग, उसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि लोग कोई बदलाव नहीं चाहते और लगभग लगभग उन्होंने उसी व्यवस्था में जीना सीख लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है, यानी किसी भी प्रकार की कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है
और जो वोटिंग दिख रही है ये असल में प्रधानमंत्री मोदी को जहां वो हैं वो वहीं रहें ये बताने के लिए है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उठाया उससे बहुत फर्क पड़ा है, उससे देश के वोटर्स में एक जोश आया है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से लोग अब जाग गए हैं और वो बात आज जो वोटिंग पोलिंग बूथ हैं उन पर नजर आई। चौथा, बीजेपी की नई रणनीति से वोटर्स भविष्य को लेकर आशंकित और वर्तमान को लेकर आक्रोशित हुए। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि भारत का वोटर अगर अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो जाता है और अपने वर्तमान को लेकर आक्रोशित हो जाता है तब वो बाहर निकलता है वोट डालने के लिए, और आज दूसरे चरण के मतदान में ये आक्रोश भी दिखा और ये आशंका भी दिखाई दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ बातें बोली अपने भाषण में इस पिछले 3-4 दिनों में ये उसका फर्क है। पांचवी बात, विपक्षी दलों ने पहले चरण की कम वोटिंग के बाद अति उत्साह दिखाया और पहले ही ओवर में अपनी जीत मान ली, यानी पहले ही एक दौर में अगर उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी थोड़ी लड़खड़ा रही है उसी को उन्होंने अपनी जीत मान लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे ओवर में काफी मेहनत की और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उन्होंने अपने भाषणों से कांग्रेस को उसके ही घोषणा पत्र के आसपास बांध कर रख दिया और कांग्रेस इस दूसरे दौर से पहले जो समय था उस पूरे समय में हर दिन सिर्फ अपने मैनिफेस्टो को लेकर सफाइयां ही देती रही। दूसरे चरण में 3 M सबसे महत्वपूर्ण रहे और ये 3 M है, मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मुसलमान, और इन 3 M ने मिलकर कांग्रेस को बांध दिया, उनके चुनाव प्रचार को बांध दिया और इस दौरान कांग्रेस अपनी पिच पर ना खेलकर बीजेपी के पिच पर आकर खेलने लगी और वो अपनी सफाई ही देती रही, अपने मुद्दे भूल गई और बीजेपी ने जिन मुद्दों में कांग्रेस को बांधा उन मुद्दों में कांग्रेस फंस गई। छठा पॉइंट यह है कि पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूसरे चरण में केरल को छोड़कर बाकी की 68 सीटों में से 52 सीटें बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने इस दूसरे ओवर में अपने रन रेट को शायद गिरने नहीं दिया। और आखिरी पॉइंट यह है कि आज के चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है और इस कला में इस देश में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई और है ही नहीं। वो जानते हैं कब कौन सा एजेंडा सेट करना है, वो जानते हैं जनता की नब्ज क्या है, वो जानते हैं लोगों को उनके घरों से बाहर वोट डालने के लिए कैसे निकालना है। इस एग्जिट विश्लेषण के बाद अब आज तक के रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ से आपको अपना आंखों देखा अनुभव बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आज की वोटिंग में क्या माहौल था और यह माहौल क्या कहता है। इसलिए इस समय वायनाड से मेरे साथ हैं मौसमी सिंह, बेंगलुरु से सगाई राज, राजस्थान के कोटा से शरद कुमार, मध्य प्रदेश के सतना से रवीश पाल सिंह, उत्तर प्रदेश के मेरठ से अशोक सिंगल, मथुरा से कुमार अभिषेक, बिहार के किशनगंज से रोहित सिंह, महाराष्ट्र के अमरावती से ऋतिक बालेकर, जम्मू से सुनील जी भट्ट और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ऋतिक मंडल मेरे साथ लाइव हैं और ये आज भारत का सबसे बड़ा विश्लेषण अब आपके लिए शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं वायनाड, जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वायनाड से मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। मौसमी, वायनाड में पिछली बार राहुल गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार पोलिंग बूथ पर वायनाड में कैसा माहौल था और आपने दिन भर आज वहां क्या देखा? देखिए, वायनाड की हम बात करें तो वायनाड सबसे छोटे जिलों में केरल के है, लेकिन जोश और जज्बे में कहीं कम नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं कि सुबह 6:30 जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि कतारें लगना शुरू हो गई थी और जैसे जैसे दिन चढ़ा या गर्मी बढ़ी ये कतारें कम नहीं हुई, लगातार अनुशासन से लोग वोट डालते रहे। जहां तक जनता के मन में क्या था हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, केंद्र में बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और राहुल गांधी के प्रति उनका एक आकर्षण और रुझान दिखा। दूसरी तरफ देखिए, वायनाड की अगर आप बात करें तो वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कोड़ीकोट के कुछ इलाके आते हैं, मल्लापुरम के भी 3 डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र आते हैं, तो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है वायनाड, कोड़ीकोट और मल्लापुरम में। इससे जो माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक समुदाय है उनका आंकड़ा लगभग 50 के पार चला जाता है, जिसमें 40
प्रतिशत मुस्लिम समुदाय से हैं और 20% ईसाई समुदाय से, जो कि एडवांटेज कहीं ना कहीं यूडीएफ के लिए है बड़ा। और जिस भारी प्रतिशत से राहुल गांधी जीते थे, कांग्रेस को उम्मीद है कि उस वोट प्रतिशत को वो और बेहतर करेंगे। राहुल गांधी का पहली बार नॉवेल्टी फैक्टर था, लेकिन इस बार उनकी जो दोबारा वो पारी खेल रहे हैं, काफी स्ट्रांग फुटिंग पर नजर आते हैं, क्योंकि एक वायनाड की जनता में उनके प्रति आकर्षण और रुझान नजर आया। जी, तो वायनाड से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सेफ हैं, वायनाड में वो शायद चुनाव जीत भी जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि वायनाड में चुनाव होने के बाद क्या राहुल गांधी वापस अमेठी आएंगे और क्या वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब पूरा देश शायद ये जानना चाहेगा। और कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई है सीईसी की, जो उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और वो ये तय करेगी कि अब राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और रायबरेली से अब कौन लड़ेगा। इन दो सीटों पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेंगलुरु, जहां से सगाई राज हमारे साथ हैं। आज आप बेंगलुरु नॉर्थ में थे सगाई, जहां से पिछली बार डीवी सदानंद गौड़ा चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को टिकट दिया है। आज आप जहां पर थे वहां पोलिंग बूथ पर आपने क्या देखा? देखिए, 2023 के बाद जो कांग्रेस जीत मिला था कर्नाटक में, उसी मोमेंटम को लेकर अभी भी कांग्रेस थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि कर्नाटका में उनका नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे बैंगलोर नॉर्थ में हम बात करेंगे तो बैंगलोर नॉर्थ में दोनों भी कैंडिडेट, जो शोभा करंदलाजे हो और राजीव गौड़ा हो, दोनों भी नया फेस है। और शोभा करंदलाजे पिछले बार उड़पी चिकमंगलोर में कंटेस्ट किया था, मगर इस बार इनको वहां से हटा के बैंगलोर नॉर्थ में टिकट दिया गया है। मगर क्या हो रहा है, ये जो 14 सीट में आज इलेक्शन हुआ था, और पूरा 14 सीट भी एक प्रीडोमिनेंट वक्कलिगा कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि जो भी नॉर्थ कर्नाटका होता है वहां पे ज्यादातर ज्यादा लिंगायत कम्युनिटी डोमिनेट करता है। सो इसी के वजह से ये दो वक्कलिगा फैमिलीज है, देवेगौड़ा का फैमिली और डीके शिवकुमार के फैमिली के बीच जो इलेक्शन हो रहा है, किसका होल्ड ज्यादा है इस ओल्ड मैसूरु रीजन पे और बैंगलोर के साथ। सो उसी के मुताबिक जो भी मुकाबला हुआ था आज कर्नाटका में, इसमें काफी साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को अपर हैंड है, मगर पिछले बार जैसे सीट मिला था बीजेपी को, उतना सीट इस बार कर्नाटका में नहीं मिल सकता है। और बैंगलोर नॉर्थ के बारे में बात करना है तो अभी भी बीजेपी को अपर हैंड है, मगर कांग्रेस उनका गारंटी के ऊपर बैंकिंग कर रहा है कि ये शायद वोटर्स को इंपैक्ट करेंगे और ज्यादा नंबर मिल सकता है कांग्रेस को कर्नाटका में। जी, अब हम चलते हैं राजस्थान और कोटा से हमारे साथ हैं शरद कुमार। शरद, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और ये 13 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार राजस्थान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, बांसवाड़ा से एकदम एजेंडे को चेंज कर दिया था, जब उन्होंने 3 M देश के लोगों के सामने रखे थे, मंगलसूत्र, मैनिफेस्टो और मुसलमान। उसका क्या फायदा या असर आपको देखने को मिला आज राजस्थान में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पैरों में घुंघरू बांध दिए और जो चाल आज मैंने देखी, 2019 जैसा उत्साह आपको यहां पर दिखाई दे रहा था। हड़ौती के इलाके में घूम रहा था मैं, कोटा में तो 19 का भी रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां पर बांसवाड़ा में ये बात बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो बाड़मेर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी भी मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से उन्होंने भी एक बीजेपी को, बीजेपी से हटकर बीजेपी के एजेंडे पर चुनाव लड़ा है। जहां कम मतदान आपको दिखाई दे रहा है सुधीर जी, वो वैसे इलाके हैं राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार इतने कमजोर हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है कि ये जीतेंगे। वैसे इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता कम निकले हैं, मगर जहां मुकाबला कांटे का है, गजब का निकले हैं। और ये मानना पड़ेगा, देखिए पहले दौर में
कांग्रेस ने पूरे चुनाव को जाति पर लेके आ गए थे और जाति की वजह से बैकफुट पर दिखाई दे रही थी बीजेपी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम पहली बार सफाई देते हुए देख रहे थे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब प्रधानमंत्री को लगा पहले दौर के बाद कि गोल पोस्ट चेंज करना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से लेकर टोंक सवाई माधोपुर आते आते राजस्थान के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजे लेते नजर आ रहे थे। खास करके वन टाइम वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, जो नए वोटर नहीं निकले थे, उनको भी वो साधे। और देखिए, चुनाव राजस्थान में था मगर आगरा में बोल रहे थे कि पेपर लीक के जो खुलासे कर रहे हैं अशोक गहलोत के निजी लोग, आप सोचिए उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधते नजर आए, जब वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप एक वोट दोगे तो सीधे मेरे पास आएगा। ये कहीं ना कहीं काम किया है, और ऐसा लग रहा था राजस्थान में कि पहले दौर के बाद की जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी कांग्रेस में, दूसरे दौर के मतदान में ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि हमने उस समय देखा था कि मुस्लिम वोटर कम निकले थे, इस बार तो जैसे ही ये शुक्रवार का नमाज खत्म हुआ है उसके बाद भारी संख्या में भीड़ आई है, और लोग ऑटो में, मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में ले लेके मुस्लिम वोटरों को पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर नमाज के बाद बजाबते घोषणा की गई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 100% मतदान कराने हैं। तो दोनों तरफ से ये आजमाइश हुई है, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है यहाँ पर बाकी के 13 सीटों में, कि इस बार जहां जहां कड़े मुकाबले में थे वहां मतदान प्रतिशत बढ़ाए। जी शरद, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे दूसरा ओवर मान लूं, 7 ओवर का मैच है, ये दूसरा ओवर है, तो इसमें बीजेपी ने कमबैक किया है। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा नीरस चुनाव है, प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद क्या आपको ऐसा लगता है आज वाकई आपको ऐसा महसूस हुआ कि चुनाव हो रहा है और बड़ा गर्मा गर्म, और मतलब चुनाव जैसा चुनाव होना चाहिए वैसा हो रहा है, जहां कड़ी टक्कर है? आप बिल्कुल सुधीर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को मैंने देखा फीडबैक पर काम करते हुए, उन्होंने देखा कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव को जाति पर लेकर चली गई है, और जातिगत खांचे में बटे हुए लोग उस तरह से नहीं निकल आ रहे थे जिस तरह से 2019 में निकले थे। उसके बाद ये जो आप 3M की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा काम करता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं जो वो बाद में डराने लगे, जैसे कि लालू यादव को लेकर बिहार में डराते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो मोदी भी अपनी सभाओं में डराने लगे कि 2014 के बाद का जमाना याद करो, कैसा राज आएगा, कौन कौन यहाँ बैठेगा, कौन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या क्या लूट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साइक को भी छुआ जनता को कि अगर हम नहीं आए तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बिल्कुल, बड़ी बहुत कैलकुलेटिव ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड फेज में बदला है। तो भविष्य को लेकर आशंका जो है, जो मैं पहले भी बता रहा था कि आशंका जो है वो बड़ा प्रधानमंत्री ने वो वोटर के मन में डाल दी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश सतना से, हमारे साथ हैं रवीश पाल सिंह। और रवीश, मैं आपसे ये सिर्फ सतना के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं पूरे मध्य प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप अलग अलग पोलिंग बूथ पर गए हैं, आज आपने क्या देखा और आज का आपका राजनीतिक आंकलन मध्य प्रदेश को लेकर क्या है, क्योंकि ये बीजेपी का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। बिल्कुल सुधीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि आपने पूरे एक मध्य प्रदेश की तस्वीर बताने के लिए कहा है, और मुझे इसी बात का डर था कि कहीं सतना तक ही सीमित ना रह जाऊं, क्योंकि ये जो फेज है, जो दूसरा फेज था, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए, क्योंकि इस फेज में जो 6 सीटें हैं जिसपे आज चुनाव हुए हैं, उन सभी सीटों पे बीजेपी के सांसद है वर्तमान में, और उनमें से कई सीटों पे बीजेपी ने अपने सांसदों को रिपीट भी किया है। रीवा है, सतना है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, खजुराहो थी, टीकमगढ़ थी, इन तमाम जगहों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है, सांसदों को। तो जो आज तस्वीर देखने को मिल रही है, देखिए पोलिंग की अगर हम बात करें तो 2019 के मुकाबले आज जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब करीब 9% तक गिर गया है। लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर के आप भी चौंक जाएंगे, तमाम वो लोग चौंक जाएंगे कि इसके पीछे दरअसल वजह ये नहीं है कि ये नुकसान होने जा रहा है सत्तारूढ़ दल को। इसके पीछे की एक बड़ी वजह दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पिछले कुछ महीनों में
लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आज हम जब अलग अलग पोलिंग सेंटरों पे गए हैं और हम पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो हमें ये देखने को मिला है सुधीर जी कि यहाँ पर बीजेपी का जो अपना कैडर है वो तो कई जगहों पे मिला, कई जगहों पे नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई कार्यकर्ता जो है, जो अब भाजपा के कार्यकर्ता हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय दिखे। तो इससे जो सत्तारूढ़ दल है उसे फायदा मिलते दिख रहा, भले ही पोलिंग का परसेंटेज कम हो रहा हो लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा हो ये कहना यहाँ गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब भाजपा में आ चुका है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के वोटरों को घर से निकाल के बूथ तक ले जाने वाले कार्यकर्ता अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो तो रमेश मैं आपसे सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, जो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का वोटर तो जा रहा है, ये कांग्रेस के वोटर हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? जी बिल्कुल सुधीर जी, कई जगहों पे ये स्थिति है, उदासीनता जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि देखिए आज शुक्रवार था और बड़ी संख्या में जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो जब हम पहले चरण में देख रहे थे तो जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले थे, आज भी शुक्रवार था, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि मामूली नहीं, ये गिरावट जो हुई है वोटों में ये करीब 9% की हुई है। मध्य प्रदेश में वैसे भी अगर देखा जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें ये परसेप्शन बन गया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और उसके बाद तो जैसे कांग्रेस खेमे में एक तरीके से ऐसी मायूसी छाई ये है कि वहां मध्य प्रदेश में इसलिए वोटिंग गिर रही है क्योंकि वन साइडेड है और जो विपक्ष के जो वोटर हैं उन्हें लग रहा है कि इस मैच में विपक्ष कहीं है ही नहीं तो उनके एक वोट देने से क्या हो जाएगा, इसलिए वो गए ही नहीं। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां मेरे सहयोगी अशोक सिंघल हैं। मेरठ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं जो कि रामायण सीरियल में राम के रूप में पूरे देश में उनकी बड़ा सम्मान किया जाता है। अशोक, आपसे सिर्फ मेरठ के बारे में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले तो मेरठ में बताइए कि मेरठ में भगवान श्री राम यानी अरुण गोविल उनकी स्थिति कैसी है और फिर बताइए कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसी है। देखिए सुधीर, सबसे पहली बात तो है कि बीजेपी की कोशिश थी, योगी मोदी एक फैक्टर हमेशा से रहे हैं यूपी के चुनाव में, अगर यूपी से बाहर की बात की जाए योगी मोदी के साथ, योगी भी भारी कैंपेन करते रहे, अग्रेसिव कैंपेन करते रहे, हर स्टेट में डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है हमेशा, बाकी मुद्दे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी था। 500 साल के स्ट्रगल के बाद भव्य राम मंदिर बना इसी सरकार मोदी कार्यकाल में, उसको भी बनाए रखना था। अशोक, ये जिस सीट पर आप खड़े हैं ये सिर्फ 4,500 चुनाव लड़ा करके, जी ये सीट सिर्फ 4,500 वोटों से बीजेपी जीती थी पिछली बार। जी सुधीर बोलिए। जी बिल्कुल, राजेंद्र अग्रवाल पिछली बार 4,500 के करीब वोटों के मार्जिन से जीते थे, हालांकि वो तीसरी बार के सांसद हैं सुधीर, लगातार 2009 से कभी 1,00,000 कभी 2,00,000 के मार्जिन से वो जीते रहे, लेकिन आखिरी बार 2019 में उनका मार्जिन बहुत कम था। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही थी सुधीर, जो मैं बता रहा था, बीजेपी को लगता था कि वेस्टर्न यूपी का जो राजधानी मानी जाती है मेरठ, और मेरठ से कोशिश यही थी कि राम मंदिर के साथ साथ राम को यहां पे उतार के, रामायण सीरियल के राम को उतार के एक मैसेज दिया जाए। बाकी मुद्दे हैं बीजेपी के पास, चाहे वो मोदी फैक्टर हो, योगी फैक्टर हो, विकास की बात हो, तो वो एक कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन साथ साथ क्योंकि मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्र माना जाता है, 6,00,000 के करीब मुस्लिम वोटर है, 3,50,000 दलित वोटर है, जो वैश्य कम्युनिटी से जो अरुण गोविल आते हैं 2,50,000 के करीब मतदाता है, लेकिन बीजेपी की जो तीन बार से सीट वहां पे रही है बीजेपी की, उससे पहले भी जीतती रही है, उन बीजेपी को लगता है कि राम की एक अपनी इमेज थी, अरुण गोविल की एक इमेज थी। पर बीजेपी कामयाब रही या नहीं रही आज दिन भर आपने क्या देखा? साथ ही साथ जो समीकरण थे उसको भी पाटने की कोशिश की गई थी। जी जी सुधीर जी, मैं ये कह रहा था बीजेपी की ये कोशिश कामयाब रही अंततः या नहीं रही आज दिन भर आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और क्योंकि अरुण गोविल के बारे में बेशक विरोधी ये प्रचार कर रहे हो कि मुंबई से आए मुंबई चले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर था
अरुण गोविल की जो ख्याति थी उसके मुताबिक लोगों में एक रिस्पेक्ट थी, एक उनके प्रति समर्थन था। बाकी मोदी और योगी के साथ वैल्यू ऐड कर रहे थे अरुण गोविल, जो चुनाव के वहां पे पूरा पोलिंग दिखाई दे रहा था, उनका कैंपेन दिखाई दे रहा था। और खास बात यह थी कि सुबह से ही लोगों की लाइनें लगी हुई थी सुधीर, चाहे मुस्लिम वोटर हो या हिंदू वोटर हो, और तमाम लोग बोल रहे थे कि अब मंदिर के साथ साथ राम भी यहां पर चुनाव लड़ने आ गए हैं। जी, अब चलते हैं मथुरा, और मथुरा से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। कुमार, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा कि देखिए मथुरा में हेमा मालिनी भी हैं, योगी भी हैं और मोदी भी हैं, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है मथुरा के लोगों के लिए, तो मथुरा से भी आप अपडेट दीजिए, और दूसरा एक उत्तर प्रदेश का भी हमारे दर्शकों के लिए एक राउंड अप आप दीजिए। बिल्कुल सुधीर जी, पहले जो बात आपने कही स्टेटस को वाली, तो मैंने भी ये महसूस किया कि स्टेटस को लोग रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो शरद ने कही थी, मैं उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जिस तरीके से वो चुनाव क्षेत्र मथुरा और आप देखेंगे बागपत, इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग कम हुई है, जो कम हुई है वो इन इलाकों में हुई है। अगर देखें तो हेमा मालिनी तकरीबन पिछला चुनाव जो है 295,000 वोटों से जीती थी, ह्यूज मार्जिन था। कुछ उसी तरीके का बागपत में भी कहा जा रहा था कि उनके लिए बड़ा ही सेफ सीट है, आरएलडी की सबसे मजबूत सीट है। तो जहां जहां सेफ सीट रही, जहां जहां बीजेपी का एकदम से माना गया एनडीए का कि मजबूत सीट है, वहां लोगों ने भी मान लिया कि थोड़ा कम भी वोट पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम मथुरा में थे तो लोग कम निकले, ये बात फैक्ट है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि लोग मान करके चल रहे थे कि ये सीट हर हाल में हेमा मालिनी जो है वो बड़े अंतर से फिर भी जीतेंगी। तो इस तरीके का कुछ एक रुख और अंदाज था। लेकिन थोड़ा मैं आपको उत्तर प्रदेश में आने के पहले एक बार ये बता दूं कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 8 सीटों में 7 सीटें बीजेपी के पास है अमरोहा को छोड़कर, और पिछले चुनाव को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी साथ थी। इस बार बसपा अलग हो चुकी है, आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है। ये बीजेपी का पूरी तरीके से, ये उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें स्ट्रांग होल्ड हैं। ऐसे में बीजेपी को इन 8 सीटों में हराना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर कुमार, है कि 3 सीटें एक मेरा सवाल है, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, जयंत चौधरी ने फायर किया या नहीं किया, मतलब जयंत चौधरी का जो कार्ड खेला था वो चला या नहीं चला, 30 सेकंड में बताइएगा क्योंकि समय कम है। नहीं, बिल्कुल चला है, लेकिन एक जगह जहां पर कि अलीगढ़ है, वहां पर जाट कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, वहां जाटों का ज्यादा वोट सपा को गया है, इसलिए अलीगढ़ की सीट थोड़ी फंसी हुई है। लेकिन बाकी जगहों पर जयंत का कार्ड चला है और वोट जाटों ने दिया है, लेकिन उत्साह कम रहा है। जी, अब चलते हैं हम बिहार जल्दी से, बिहार के किशनगंज से हमारे साथ रोहित हैं। रोहित, थोड़ा जल्दी में और शॉर्ट में बताइएगा कि बिहार का पूरा राउंड अप आपके हिसाब से क्या है, बिहार में आपको क्या दिख रहा है, नीतीश कुमार क्या एक बैगेज है, क्या बीजेपी को अपनी सीटें भी जीतनी पड़ रही हैं और नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उनका भी जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी पर ही आ गई है। सुधीर जी, सबसे पहले बताऊं, पिछले बार भी आपने मुझे बहुत शॉर्ट में बोलने के लिए कहा था, इस बार भी आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, लेकिन फिर भी जो समय दिया उसके लिए ये बता दूं कि 5 सीटें जहां पर आज चुनाव हुए हैं, अगर हम एक तरीके से कहें तो बीजेपी का कुछ लेना देना इससे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीमांचल की जो है सीटें हैं, 5 सीटें जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और इसमें से 4 सीटों पर जेडीयू के सांसद मौजूदा हैं, और एक सीट जो किशनगंज की सीट है जहां पर मैं मौजूद हूं वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि जेडीयू जो यहां पर चुनाव लड़ रही है और उसने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं बदला है, तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जेडीयू भी जो है, नीतीश कुमार भी जो है, वो मोदी फैक्टर पर ही जो है वो बैंक कर रहे हैं, उसी पर दाव लगाए हैं कि मोदी के सहारे ही इस इलाके में फिर से जो है इन सीटों को जीता जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। यानी जेडीयू को लेकर थकावट है, नीतीश कुमार को लेकर थकावट है। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर लोगों के अंदर में जो है एक तरीके से कह रहे हैं ना, जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार का कैंडिडेट को नहीं बदलना और कितना बड़ा जो है एक फैक्टर, तो नीतीश कुमार एक बैगेज बन सकते हैं, अभी तक नजर आ रहा है। जी रोहित, मैं माफी चाहता हूं, समय अभी इतना ही है हमारे पास। मैं महाराष्ट्र के अमरावती चल रहा हूं जहां ऋत्विक भालेकर हैं। ऋत्विक, महाराष्ट्र के बारे में आज वहां भी वोटिंग काफी कम रही है, आप बताइए। जो मुझे पता चला वो ये है कि वहां मुद्दा है असली और नकली का।
जी बिल्कुल, असली और नकली का मुद्दा है। बता दूं कि दूसरे चरण में 8 सीटों पर यानी पश्चिम विदर्भ की 5 सीटें और 3 सीटें मराठवाड़ा से थी, जहां पर ये लड़ाई थी असली नकली की। लेकिन अमरावती की सीट के बारे में अगर कहा जाए तो एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि सिर्फ अमित शाह ही यहां पर आकर प्रचार नहीं करके गए, तो उसी दिन उसी समय अमरावती में राहुल गांधी ने भी सभा ली थी। यानी अमरावती की सीट जहां से निर्दलीय चुनकर आई थी नवनीत राणा, वो हालांकि पहली बार बीजेपी के कमल पर यहां पर चुनाव मैदान में उतारी गई थी, और पहली बार ये महायुति में जब शिवसेना बीजेपी की युति थी तब यहां पर हमेशा से शिवसेना का सांसद चुनकर आता था, लेकिन पहली बार यहां पर कमल इस चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया है। नवनीत राणा उतरी है, अब देखना यह है कि क्या ये कमल अमरावती में खिलेगा या नहीं। या नहीं खिलेगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। ऋत्विक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जम्मू, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जम्मू से। सुनील जी भट्ट हमारे साथ हैं। सुनील जी, जल्दी से बताइए जम्मू से क्या अपडेट आपके पास है, आज का, आज पर केंद्रित रहिएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुधीर, मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखूंगा। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज यहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र पर मतदान था, जो कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र है। और जो जम्मू लोकसभा क्षेत्र है, अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में एक बीजेपी का गढ़ बना है। और अगर आज की हम बात करें तो मैं आज फिर से सुबह सुबह जो है ग्रामीण इलाके में पहुंचा, और वहां पर लंबी कतारें देखी गई, और जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो उनमें काफी उत्साह था, और भारी संख्या में वो सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे। शहरी इलाकों में थोड़ी देर बाद लोग आए, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम सुधीर, हम अगर बड़ी पिक्चर की तरफ नजर डालें यहां जम्मू लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है अभी भी बरकरार है, मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। और जो बीजेपी के यहां पर उम्मीदवार है जुगल किशोर शर्मा, जो लगातार 2 बार यहां से जीते हैं, 2014 में 2019 में, उनका जो है यहां पर कहीं ना कहीं उनको काफी लाभ मिल रहा है मोदी फैक्टर के कारण। लेकिन विपक्ष जो है यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है रमन भल्ला, वो भी कह रहे हैं कि वो इस बार उनको कड़ी टक्कर देंगे बीजेपी के प्रत्याशी को, और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। और अगर हम आम वोटरों की बात करें, मैंने आम वोटरों से बात की, तो आम वोटरों ने भी चिंता जताई है बेरोजगारी के विषय पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो डोमिनेंट है, अभी डोमिनेंट है। सुनील, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। अब एक रिपोर्टर हमारे साथ और बचे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, ऋतिक मंडल। ऋतिक, पश्चिम बंगाल की बिग पिक्चर हमें बताइए। आज मैं तस्वीर देख रहा था, जबरदस्त स्वागत था, रोड शो बड़ा जबरदस्त था प्रधानमंत्री मोदी का, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। बिग पिक्चर क्या है पश्चिम बंगाल से आपके पास? देखिए, वोट का आंकड़ा जो है वो दिखा रहा है किस तरीके से जोर शोर से लोग जो है आज के दूसरे चरण के चुनाव इस तरीके की लड़ाई हम चुनाव में देखते हैं, उस तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई सुधीर जी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई बहुत खूब है, चाहे वो बालूरघाट, दार्जिलिंग या फिर रायगंज, तीनों सीटों में। देखिए, बीजेपी के लिए गढ़ माना जा रहा है 2019 से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट उन्हें यहां से हासिल हुआ था। बालूरघाट से जो स्टेट चीफ है वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं दिन भर में जो दिखा, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों में कम दिखे। बंगाल में एक कहावत है कि चुनाव यहां पर करवाना पड़ता है, जिसकी पार्टी की जो क्षमता जितना है, सांगठनिक मजबूती जितना है, वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं। बिप्लव मित्र जो टीएमसी के टिकट से लड़ रहे हैं, तो वो माना जाता है कि 2019 में जो टीएमसी के अंदरूनी फाइट है उसका फायदा बीजेपी को मिला था, इस बार वही टिकट है, वही टीएमसी के। बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? कांटे का टक्कर बीजेपी के लिए है। ऋतिक, थैंक यू सो मच। ऋतिक, अब समय हमारा समाप्त हो गया और मुझे यह विश्लेषण खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता सकता हूं वो 4 चीजें। पहला, आज का जो वोटिंग है, ये जो चुनाव, अब ऐसा लग रहा है ये स्टेटस को का चुनाव है, यानी स्थिरता का चुनाव है, यानी वोटर ये चाहता है कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। दूसरी बात ये है कि जो बात कह रहे हैं कि विपक्ष का जोर है, उसका बस इतना असर हो सकता है कि ज्यादा सीटों पर अब कड़ी टक्कर हो सकती है, यानी कड़ी टक्कर वाली जो सीटें हैं वो इस बार बढ़ रही हैं। और तीसरी बात यह है, उसका नतीजा यह होगा कि बीजेपी जीतेगी तो सही, लेकिन इस बार कम मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, यानी बीजेपी जीत तो रही है लेकिन कम मार्जिन से जीतेगी, मुश्किल से जीतेगी, कड़ी टक्कर के साथ जीतेगी, ऐसा आज इन सारी सीटों पर देखकर हमें लग रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है
जहां पर मतदान बहुत कम हुआ है वो इसलिए नहीं है कि बीजेपी का मतदाता पहुंच नहीं रहा, वो इसलिए है क्योंकि वहां लड़ाई वन साइडेड है और विपक्ष के लिए जो चुनाव देने वाला मतदाता था वो उसको ये लगा कि उसका एक वोट भी बेकार होगा क्योंकि लड़ाई है ही नहीं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक होती है। नमस्कार।